الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ رب ذوالجلال دی مقدس کتاب دے وچوں سورہ آل عمران دا ایک مقام تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ساڈی سبنا دی جمعے دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک پھر سانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ ہر خطیب اپنے خطاب دے اندر
जिथे अल्लाह रब्बे जुल जलाल दी वहदानियत दी गवाही देंदा उथे हजूर अली सलातो सलाम दा भी तज़करा करदा। कलमे दे अंदर जिथे अल्लाह रब्बे जुल जलाल दी वहदानियत दा तज़करा है उथे हजूर अली सलातो सलाम दी रिसालत दा भी तज़करा। पांच वक्त नमाज अदा करने वाला मोमिन मुसलमान जिस वक्त नमाज वास्ते वुजू करता है, वुजू तो बाद कलमा पढ़ता है, जिथे अल्लाह रब्बे जुल जलाल दी वहदानियत दा इकरार करता है उथे हजूर अली सलातो सलाम दी नबूवत और रिसालत दा भी इकरार करता है। हजूर अली सलातो सलाम दी अजमत शान मकाम इस अंदाज नाल भी समझिए कि दुनिया दे अंदर मुख्तलिफ औकात होने दी वजह दे नाल टाइम और औकात दे फर्क होने दी वजह दे नाल दुनिया दे किसे खित्ते ते रात हुंदी है किते दिन हुंदा किते 12 घंटिया दा फर्क किते 10 घंटिया दा फर्क किते 2-4 घंटिया दा फर्क किते 1 घंटे दा फर्क किते 1 मिनट और सेकंड दा फर्क। इस फर्क दी वजह दे नाल कोई ऐसा घंटा नहीं, कोई ऐसी घड़ी नहीं, कोई ऐसा टाइम नहीं, कोई ऐसा मिनट ते सेकंड नहीं कि मुअज्जन अजान कहन वाला जिथे अल्लाह रब्बे जुल जलाल दी किबरियाई और बड़ाई बयान करता है उथे हजूर अली सलातो सलाम दा भी तज़करा करदा। हजूर अली सलातो सलाम दी शान और मकाम रब्बुल आलमीन ने इतनी बुलंद फरमाई है कि मुफस्सरीन अपने अंदाज दे नाल आप दी शान ते मकाम बयान करदे ने, मुकर्ररीन अपने अंदाज नाल बयान करदे ने, मुबल्लिगीन अपने अंदाज नाल बयान करदे ने, खतीब अपने अंदाज नाल बयान करदा है, अदीब अपने अंदाज नाल बयान करदा है, मुफ्ती अपने अंदाज नाल बयान करदा है, नात खां अपने अंदाज नाल बयान करदा है, मैं और तुसी हजूर अली सलातो सलाम दी अजमत शान अपने अंदाज नाल बयान करने हैं, लेकिन जेड़े अंदाज नाल अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने अपने कुरान के अंदर हजूर अली सलातो सलाम दी अजमत और शान बयान कीती है कायनात दा कोई बड़े तो बड़ा इंसान बयान कर सकदा नहीं कर सकदा। आ देखो अल्लाह रब्बे जुल जलाल दा अंदाज कैसा निराला अंदाज है, रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। बुलंद आवाज नाल सुभान अल्लाह कह दिया जे मेरे भाई अल्लाह रब्बे जुल जलाल दा कुरान है बड़िया अजमतां वाला कलाम है सुभान अल्लाह कह दिया जे फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब बावल हिकमता व इन कानु मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला दा बयान करन दा अंदाज कैसा है, रब्बुल आलमीन ने मेरे आका अली सलातो सलाम दी अजमतां ते शाना किस अंदाज नाल बयान कीतियां ने, अंदाज ही बड़ा आला है, अंदाज ही बड़ा उच्चा है, अंदाज ही बड़ा मेरे भाई अरफा है। आओ ना तवज्जो फरमाना फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन
अल्लाह तबारक व तआला ने सानू इंसान बनाया, इंसान बनाउन तो बाद ना अल्लाह पाक ने सानू मुसलमान बनाया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि ऐ मुसलमानो ऐ इंसानो मैं तुहाडे ते इंसान मैं तुहाडे ते एहसान कीता है, मैं तुहानू इंसान बनाया है, मैं तुहानू मुसलमान बनाया है, अल्लाह ते उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा फरमा बरदारी करन वाला बनाया है, मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला ने सानू हथ अता फरमाए ने और फिर चलन वास्ते पैर अता फरमाए ने, रब्बुल आलमीन ने अखां अता कीतियां ने, अल्लाह पाक ने सानू दिलो दिमाग अता फरमाया है, रब्बुल आलमीन ने सानू अकल ते शऊर अता फरमाया है। मेरे भाई किन्नियां अल्लाह पाक दियां नेमतां ने, रब्बुल आलमीन ने साडे वास्ते चंद सूरज सितारे चमकाए ने साडियां रोशनियां दे वास्ते, मेरे भाई रात ते दिन अल्लाह पाक ने साडे वास्ते बनाए ने, और फिर जंगलां दे अंदर जानवर कई किस्म दे वो भी साडे वास्ते अल्लाह पाक ने बनाए ने, हवावां चलाईयां ने, दरिया ने, नदी नाले ने, पहाड़ ने, ये सब कुछ अल्लाह रब्बे जुलजलाल दियां नेमतां ने, लेकिन अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया मैं तुहाडे ते एहसान कीता है, फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। जिस वक्त आमिना दे लाल सारी कैनात दे सरदार दियां वारियां आईयां ना, सारी कैनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां वारियां आईयां ना, ते अल्लाह पाक ने फरमाया मैं मोमनो मुसलमानो तुहाडे ते एहसान कीता है, ते दूसरी गल अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, फरमाया रसूलम मिन अलफुसिकुम, फरमाया कि मैं तुहाडियां नफसां दे विचों इंसानां दे विचों रसूल भेजिया है, क्योंकि इंसान दी अजमत जड़ी है सारिया मखलूकात नालों आला है, अल्लाह पाक ने इंसान नूं बेहतर बनाया है, अफजल बनाया है, और रब्बुल आलमीन ने तीवें सिपारे के अंदर बयान फरमाया, फरमाया वत्तीने वज़ैतूने वतूरसीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम, अल्लाह पाक फरमाते ने अलबत्ता तहकीक मैं इंसान नु अहसन बनाया, इंसान नु बेहतर बनाया है, हदीसे पाक दे अंदर मौजूद आ, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त ना अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्ना ते इंसानां नूं बनाया ना, इन्हां दी तखलीक कीती ना, ते अल्लाह तबारक व तआला ने मैनूं बेहतरीन मखलूक इंसानां दे विच्चों पैदा फरमाया। हजूर अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने अल्लाह तबारक व तआला ने मैनूं बेहतरीन मखलूक इंसानां दे विच्चों पैदा फरमाया, फिर अल्लाह रब्बे जुलजलाल ने इंसानां दे मेरे भाई दो ग्रोह बनाए, एक अरब ते एक अजम, और अल्लाह पाक ने मैनूं बेहतरीन ग्रोह अरब दे विच्चों पैदा फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अरब दे कई कबीले बनाए, फरमाया कि मैनू बेहतरीन कबीले कुरैश दे विचों पैदा फरमाया, एदा इंतखाब कीता। हजूर अली सलात व सलाम फरमांदे ने कि फिर इस कुरैश दे अल्लाह पाक ने कई घराने बनाए, मैनू बेहतरीन घराने हाशम दे विचों पैदा फरमाया, आप फरमांदे ने मैं जात दे इतबार दे नाल भी आला वा, ते मेरे भाई आप खानदान दे लिहाज नाल भी आला है, अल्लाह तबारक व तआला ने हल हाज दे नाल मेरे आका अली सलात व सलाम नू आला बनाया है। आ देखो अल्लाह रब्बे जुल जलाल दा कुरान फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यातलु अलैहिम आयातिही वायु जकीहिम वायु अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वो रसूल मैं किस वास्ते भेजे आए, वो क्यों आया है, उहदे आउण दा मकसद की है, फरमाया कि वो किताब हिकमत दी तालीम तुहानू देवे, मेरियां आयतां पढ़ पढ़ के सुना
ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਫਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰੇ ਵਾ ਇਮਕਾਨੂ ਮਿਨ ਕਬਲੋ ਲਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਮ ਮੁਬੀਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਗਮਰਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਜਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਜਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੇ ਸੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੋਗੋ ਆਓ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਬਿਦਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁਨਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਗਮਰਾਈ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਹੰਨਮ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਇਨ ਕਾਨੂ ਮਿਨ ਕਬਲੋ ਲਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਮ ਮੁਬੀਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਹਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਮੀਰ ਕਰੋ ਮਸਜਿਦ ਤਮੀਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਤਨਾ ਆਲਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਮਸਜਿਦ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਤੌਹੀਦੋ ਸੁਨਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਯਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪੁਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਮੀਰ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤਮੀਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦਾ ਘਰ ਤਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਐ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੀਂ ਐ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਐ ਅੱਲਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਐ ਸਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਸਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
अल्लाह तेरे अगे इल्तजा करना चाहने आ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे इब्राहिम जी हुण तक ते तुसी मेरियां गल्लां मानदे आए हो मेरियां बातां मानदे आए हो ऐ इब्राहिम जी मैं हुक्म कीता ते अपना घर बार छड़ दियो अपने बीवी बच्चियां नूं छड़ दियो हिजरतां कर जाओ ते इब्राहिम जी तुसी दरेक नहीं कीता मेरे हुक्म नूं मन करके दिखा दिता है ऐ इब्राहिम जी मैं तुहानूं आखिया कि अपनी बीवी ते बच्चे नूं जंगल बियाबान दे अंदर छड़ के आ जाओ इब्राहिम जी तुसी फिर भी मेरे हुक्म नूं मन्निया है ऐ इब्राहिम जी मैं आखिया कि नमरूद नाल मुनाज़रा करो लेकिन तुसी फिर भी दरेक नहीं कीता अग वे जान तो ही पिछे नहीं हटे ऐ इब्राहिम जी मैं आखिया कि अपने लखते जिगर नूं मेरे रस्ते दे अंदर कुर्बान कर देवो ते ऐ इब्राहिम जी तुसी कुर्बान करन वास्ते तैयार हो गए ऐ इब्राहिम जी हुण तक ते तुसी मेरियां गल्लां मनदे आयो मैं तुहाडी गल क्यों ना मन्ना तुहाडी बात क्यों ना मन्ना ऐ इब्राहिम जी मेरे अगे इल्तजा करो ते सही दुआ करो ते सही अपने मुंह दे विचों अल्फाज निकालो ते सही हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम ने हाथ चुके ने काबातुल्ला दी तरफ नजराने ते दुआ पे करदे ने रब्बाना वब असफीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम दुआ करदे ने इस्माइल अलैहि सलातो सलाम आमीन कही जांदे ने रब्बा ना अल्लाह तबारक व तआला नु रब कह कह करके पुकार रहे ने इल्तजा करदे ने मेरे भाई इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम ने अल्लाह पाक दे कोलो कोई दुनिया दा मालो दौलत नहीं मन्निया मंगिया कोई जनाब प्लाट प्लाजे नहीं मंगे बड़ी आला चीज मंगदे पै ने बड़ी उच्ची चीज मंगदे पै ने बड़ी शान ते अरफा चीज मंगदे पै ने की कहंदे ने रब्बाना वब असफीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह जिस तरह तेरा है कर आला है अजमतां वाला करे ऐ अल्लाह इत्थे इमाम आला भेज दे। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने तकब्बर नहीं किया कि मैं बड़ा आला वां लेकिन नहीं नहीं इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम कहते ने ऐ अल्लाह जिस तरह तेरा ये घर आला है ऐ अल्लाह इत्थे आला इमाम भेज दे अजमतां वाला पैगंबर भेज दे अजमतां वाला इमाम भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम दी दुआवां नूं कबूल फरमाया। मेरे भाई आओ ना जरा तवज्जो फरमाना रब्बुल आलमीन ने मेरे आका अली सलातो असलाम की अजमत शान किस तरह बुलंद की है। अजे मेरे आका अली सलातो असलाम दुनिया से तशरीफ नहीं लिया है ते आप दे दज्जा सरदार अब्दुल मुतलब मेरे भाई बाप ते अब्दुल्ला पहले फौत हो चुके सन ते सरदार अब्दुल मुतलब ते सैयदा आमा नूं ख्वाब दे अंदर हजूर अली सलातो सलाम दे नाम पाक दियां बशारतां मिलदियां ने। एक बड़ा ही खूबसूरत फरिश्ता जेड़ा है ख्वाब दे अंदर मिलदा है ते कहिंदा है ऐ आमना तेरी गोदी दे अंदर बड़ा आला बच्चा आउन वाला है उच्ची शान वाला बच्चा आउन वाला है ते तू ओदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना होएगा। वो कहन वाले ने बड़ी प्यारी गल आखी है ओ अज शिकमे मादिर विच है सन पैगंबर सुत्या होया नू कई वारी ख्वाब अंदर ओ अज शिकमे मादिर विच है सन पैगंबर सुत्या होया नू कई वारी ख्वाब अंदर माई आमिना नू बताया गया सी कुदरतों सबके पढ़ाया गया सी ओ तेरे बच्चे जैसा करोड़ी न लखी तेरे बच्चे जैसा करोड़ी न लखी
तू इस बच्चे दा नाम मुहम्मद ई रखी। ओ बड़ा ही प्यारा है नामे मुहम्मद, बड़ा ही प्यारा है नामे मुहम्मद, बड़ा ही निराला है नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई जिस वक्त मेरे आका अली सलातो वसलाम दुनिया ते तशरीफ ले आए ना, आप दी औलाद ते बा सआदत होई ना, ते सरदार अब्दुल मुतलब ने आप दा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिता है। मेरे भाई जिस वक्त ना आप 7 दिन दे होए ना, ते सरदार अब्दुल मुतलब ने आप दे हकीके वास्ते अपने रिश्तेदारां नूं बुलाया, आंडियां गवांडियां नूं बुलाया, चौधरियां ते सरदारां नूं बुलाया, उन्हां दी दावत कीती। जिस वक्त दावत तों फारग हो गए ना, ते कहण लगे ए सरदार जी तुसीं अपने पोते दा नाम की रखिया। सरदार साहब फरमांदे ने मैं अपने पोते दा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखिया है। कहन लगे कि हो जा अजीब नाम रख लिया है, कि हो जा अनोखा नाम रख लिया है, ए हो जा ते नाम आज तक असी सुनिया कोई नहीं। ते सरदार साहब फरमांदे ने मेरे बेटे दा तुसी चेहरा ते वेखो ना, फिर आपे ही फैसला कर लिया जे के दा नाम की होना चाहिदा। ते कहन वाले ने ना बड़ी प्यारी बात आखी है, चेहरे दा नक्शा किसे आए, आप दे हुस्नो जमाल दा नक्शा किसे आए, आओ जरा तवज्जो फरमाना। ओ रोशन चेहरा कद काठ बंतर बनावट, ओ रोशन चेहरा कद काठ बंतर बनावट, खत्म हो गई सोने उत्ते सजावट। रोशन चेहरा कद काठ बंतर बनावट, खत्म हो गई सोने उत्ते सजावट, सहपन नफासत दे फुल्लां दा सेहरा, वा सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा, वा सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा। ओ मुसव्वर ने बस इंतहा कर सटी, मुसव्वर ने बस इंतहा कर सटी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कटी, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। सरदार साहब फरमांदे ने इन्हां सारियां चौधरियां ते सरदारां नूं कहिंदे ने कि मैं अपने बेटे दा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखिया। मेरे भाई अरब दा ए रवाज सी कि दाइयां जिहड़ियां ने बच्चों नूं दुध पिलाया करदियां सन। जिस वक्त उन्हां नूं पता चलदा ना कि मक्के दे अंदर बच्चे ने, ते दाइयां जिहड़ियां ने बच्चे लैण वास्ते आ जांदियां। इधर हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ए दी डाची बड़ी कमजोर सी, बड़ी लागर सी, ए आस्ता आस्ता आ रहियां ने। दूसरियां दाइयां जेड़ियां ने उन्हां दियां सवारियां अच्छियां सन, ताकतवर सन, ए जल्दी जल्दी पहुँच जांदियां, ते इन्हां ने अमीर घरानियां दे बच्चे उठा लैने, बच्चे उठा के ते चल पैंदियां ने। इधर हलीमा सादिया ने देखिया कि एक बच्चा है गरीब घराने दा है, ते अपने खामद नाल मशवरा कर दिया ने, आप बच्चा एक है वे है गरीबे यतीमे, इहदे बाप दा सिर साया सिर ते कोई नहीं, इत्थों सानू की मिलना है। खामद कहन लगा नी हलीमा इस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू उठा ले, हो सकता है इस गरीब दी वजह दे नाल, यतीम दी वजह दे नाल अल्लाह तबारक व तआला साडे घर दे अंदर खैर बरकत अदा कर देवे। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला किस्मत उन्हां दे पाक जाग पै। मेरे भाई दूसरियां दाइयां उन्हां दा नां ही कोई नहीं लैंदा, लेकिन हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला दा नाम जेड़ा है मेरे भाई क्यामत तक जिंदा कैम ते दैम।
आओ ना जरा तवज्जो फरमाना। अली मसादिया फरमांदियां ने कि जिस वक्त ना मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ना अपनी सवारी ते सवार कीता ना ते मेरी सवारी जेड़ी है बड़ी लागर सी बड़ी कमजोर सी, अल्लाह पाक ने मेरी सवारी नू बड़ियां ताकतां अता कर दित्तियां ते मेरी सवारी जेड़ी है दूसरियां दाइयां दियां सवारियां दे नालों अगे गुजरदी जा रही है। वो आवाज मार के कहंदियां ने ए हलीमा क्या तू सवारी बदल लई है। हलीमा सादिया फरमांदियां ने नहीं नहीं मैं सवारी नहीं बदली, ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी गरीब समझ के यतीम समझ के छड आईयां सो, मैं उन्हों अपनी सवारी ते सवार कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी सवारी दे अंदर ताकतां अता कर दित्तियां ने। मेरे भाई आओ ना जरा तवज्जो फरमाना जरा गौर कर दिया जाना। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला फरमांदियां ने साडे घर दे अंदर जड़ियां बकरियां सन ना वो बड़ियां लागर ते बड़ियां कमजोर सन, दुध बड़ा कम देंदियां सन। जिस वक्त मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर दे अंदर लियांदा ना ते अल्लाह तबारक व तआला ने साडियां बकरियां नू दुधो दुध कर दिता। हलीमा सादिया फरमांदियां ने कि मेरी छाती ते दुध बड़ा कम आउंदा सी, मेरा जेड़ा जाती बच्चा है ना वो दुध रज के नहीं सी पींदा ते जिस वक्त मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपनी छाती नाल लगाया ना अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी छाती नू दुधो दुध कर दिता है। मेरा जाती बच्चा जेड़ा है वो भी दुध रज के पीण लग पैंदा है। मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला ने इस लिहाज दे नाल ना मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम दियां शाना ते मकाम नू बुलंद फरमाया है। और अल्लाह रब्बे सुल जलाल दा कुरान कह रहा है फरमाया या أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ نال اعلیٰ بن کے آئے شانہ تے عظمتاں پا کر کے آئے۔ میرے بھائی رب العالمین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ دا چہرہ ہی اللہ پاک نے اتنا اعلیٰ بنایا ہے اتنا خوبصورت بنایا ہے، رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ بلند آواز نال سبحان اللہ کہہ دیا جی۔ میرے بھائی اللہ پاک نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ہی بڑا اعلیٰ بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں دیاں واریاں آئیاں نا اکھاں اتنی شرم و حیا والیاں نے اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا فرمایا ولا تعدو عیناک عنہم ولا تعدو عیناک عنہم اکھائیں اتنی اعلیٰ نے۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑی کملی عطا فرمائی ہے جڑی اوپر لیا کر دے سن وہ اتنی اعلیٰ کملی ہے رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی جس وقت کھانا کھاندے سن چلدے پھردے سن آپ دا کھانا کھانا اتنا اعلیٰ چلنا پھرنا اتنا اعلیٰ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا فرمایا وقالو مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔
अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अकाली सलातो सलाम दा दिल इतना आला बनाया है, नफाक दे कोलों पाक साफ, शिरक दे कोलों पाक साफ दिल बनाया है। रब्बुल आलमीन ने ओदा ही कुरान बना के नाजल कर दिता है। फरमाया अल्लाह पाक फरमांदे ने आला कलबी, रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर बयान फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जी असी तुहाडे दिल नू आला बनाया है। मेरे भाई आओ ना जरा तवज्जो फरमाना, जिस वक्त मेरे अकाली सलातो सलाम ना मेरे भाई मक्कियों हजरत करके मदीना पाक दे अंदर आए ना, जिस गार दे अंदर आप ठहरे और गार इतनी आला गार है, अल्लाह पाक ने कुरान बना के नाजल कर दिता है। फरमाया इज अखरज अल्लज़ीन कफरू सानिया सुनैनि इज हुमा फिल गार, गारी इतनी आला है। मेरे भाई मेरे अकाली सलातो सलाम दियाँ बीवियाँ आप दियाँ बेटियाँ इतनिया आला ने, रब्बुल आलमीन ने उन्हां दी शान दे अंदर कुरान नाजल कर दिता। फरमाया या अय्युहन नबियो कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाउल मुमिनीन, मेरे अकाली सलातो सलाम दे सहाबा इतने आला ने, उन्हां दी नमाज़ां अल्लाह पाक नूं इन्नियां पसंद ने, उन्हां दे रकू ते सजूद इन्ने पसंद ने, रब्बुल आलमीन ने कुरान बना के नाजल कर दिता। फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदैन यबतगूना फज़लम मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अज़ारि सुजूद, अल्लाह पाक नू मेरे अकाली सलातो सलाम दे सहाबा दियाँ मेरे भाई नमाज़ां इतनियाँ पसंद ने, उन्हां दे रकू ते सजूद इन्ने पसंद ने, अल्लाह पाक उन्हां दियाँ तारीफां कर रहे ने, फरमांदे ने मेरे प्यारे पैगंबर जी तुहाडे साथी इहो जिहे ने कि वह रकू कर रहे ने, सजदे कर रहे ने, सजदे कर करके ना उन्हां दे मत्थे ते मेहराब पै गए ने। मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अकाली सलातो सलाम दियां शाना ते मकाम बड़ा ही बुलंद फरमाया है। रब्बुल आलमीन दा कुरान बयान कर रहा है, फरमाया लगद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यातलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर लहाज दे नाल ना मेरे अकाली सलातो सलाम नू आला बनाया है, आप नू अजमतां अता कीतियां ने, आप नू शान अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। मेरे भाई आओ ना जरा तवज्जो फरमाना, कोई जेड़ा है मेरे भाई नबी एक इलाके दा नबी बन के आया, कोई एक महल्ले दा नबी बन के आया, कोई एक शहर दा नबी बन के आया, कोई एक कस्बे का नबी बन के आया, कोई एक बस्ती का नबी बन के आया, लेकिन मेरे अकाली सलातो सलाम आए ते फरमाया कि कुल कायनात वास्ते आए, तमाम जहाना वास्ते आए। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया फरमाया वमा अरसलनाका वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नासे बशीरं व नज़ीरा वलाकिन अक्सरन्नासे ला यअलमून, फरमाया कि मेरे प्यारे पैगंबर जी असी तुहानू तमाम लोगों के वास्ते रसूल बना के भेजा है, तुहानू असी नज़ीर ते बशीर बना के भेजा है। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जी नेक लोगों नू नमाजियां नू परहेजगारां नू मुत्तकियां नू रोजे रखने वालियां नू जन्नत दियां खुशखबरियां सुनाने वाले बना के भेजा है। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जी असी तुहानू ना अल्लाह पाक दियां अज़ाबां दे कोलों डराने वाले बना के भेजा है, जहन्नम
ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਓ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਅਕਸਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਾਸ, ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਾਸ, ਇਨੀ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਇਲੈਕੁਮ ਜਮੀਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਓ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਚਰਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਖਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਹਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾਲੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਕਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾ ਅਹਦਿਮ ਮਿਰ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ ਵਲਾਕਿਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਯੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਾਲਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਾਲਾਰ ਆਇਆ, ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਹੈ ਮਾਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਬੀ ਜਗ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਾਲਾਰ ਆਇਆ, ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਹੈ ਮਾਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਬੀ ਜਗ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਵਾਂਗੂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਵਾਂਗੂ, ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ, ਚੰਨ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਆਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 30 ਦਜਾਲ ਆਉਣਗੇ,
तकरीबन 30 दे नजदीक दज्जाल आणगे। फरमाया कि हर एक दा दावा होएगा कि मैं अल्लाह दा रसूल आ, अल्लाह दा नबी आ। मेरे भाई कुछ जड़े ने आ चुके ने, वो भी लानती ने, वो भी कज़ाब ने। ते फरमाया कि कुछ आणगे वो भी लानती होणगे, वो भी कज़ाब होणगे। जेड़ा भी नबूवत दा दावा करेगा मेरे भाई झूठा होएगा। अल्लाह पाक ने ऐलान कर छड़िया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। अल्लाह पाक ने खातबुन नबी जीन फरमा करके ना मेरे आका अलैहि सलातो सलाम दे सर ते मेरे भाई खातबुन नबी जीन दा ताज जड़ा सजा दिता है। आप दी शान ते मकाम नू अल्लाह पाक ने बुलंद कर छड़िया है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर बयान फरमाया, फरमाया आलम नशरह लक सदरक वावजाना अन का विजरक अल्लजी अन का जाजा रख वारा का जिक्र रख। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जी, असी तुहाडे जिक्र नू बुलंद कर छड़िया है। मशरक वाले भी तुहाडा जिक्र करनगे, मगर वाले भी तुहाडा जिक्र करनगे, शमाल वाले भी, शर्क वाले भी, गर्व वाले भी, आसमान वाले भी, जमीन वाले भी। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जी, तुहाडा जिक्र जेड़ा है जगह जगह ते होएगा, थां थां ते होएगा। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जी, तुहाडा जिक्र हर मुकाम ते होएगा। अल्लाह पाक ने आप दे जिक्र नूं बुलंद कर छड़िया है। ते कहन वाले ने ना बड़ी प्यारी गल आखी है, ओ सब तो आला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, कह दियो सब तो आला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। ओ साडे वर्गे गुनाहगारां नूं बख्शान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। साडे वर्गे गुनाहगारां नूं बख्शान वाला मेरा नबी है। ओ मेरा नबी, मेरा नबी, नबी है रहमत, मेरा नबी है ताके आमत। मेरा नबी है, नबी है रहमत, मेरा नबी है ताके आमत। रोजे महशर, रोजे महशर, जामे कौसर पिलान वाला मेरा नबी है। रोजे महशर, जामे कौसर पिलान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। मदनी दा शान दसिया, मदनी दा शान दसिया मेरे अल्लाह। ओ मदनी दा शान दसिया मेरे अल्लाह, सब तो आला है शान वल्ला, सब तो आला है शान वल्ला। मदनी दा शान दसिया मेरे अल्लाह, सब तो आला है शान वल्ला। उंगलां विचों, उंगलां विचों चश्मे चलान वाला मेरा नबी है। ओ उंगलां विचों चश्मे चलान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। ओ दुश्मना ते वैरियां लई, दुश्मना ते वैरियां लई दुआवां करन वाला मेरा नबी है।
दुश्मना ते वैरिया लई दुआवां करन वाला मेरा नबी है। सर दे ऊपर माई दी गठड़ी चान वाला मेरा नबी है। ओ सर दे ऊपर माई दी गठड़ी चान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मकाम वाला, सब तो आला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। अंबिया दी इमामत, अंबिया दी इमामत करान वाला मेरा नबी है। अंबिया दी इमामत करान वाला मेरा नबी है। सत्तां फलकां तो ऊपर, सत्तां फलकां तो ऊपर जान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। सब तो बाला मकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। साडे वर्गे नकम्मिया नू, ओ साडे वर्गे नकम्मिया नू सीने लगान वाला मेरा नबी है। वाखिर दावान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।